तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं टीके के सिवराज यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने दैनिक भास्कर के स्पेशल वीडियो में। तो जी का जैसे कि आप देख रहे हो, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा है, दैनिक भास्कर मेगाजब खेल के जीत सकते हैं 50 लाख रुपये तक का सोना, सिवा 1100 कारें, मोटरसाइकिल और भी ढेरों इनाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। आप इसे खेल के जीत सकते हैं, जिसके लिए देख रहे हैं आपको इस तरह का कुछ कूपन फॉर्मेट चाहिए। अगर आपको उसमें इस तरह के कूपन को चिपका करके आपको इसे दिए गए जगह पर जमा करना पड़ेगा। तो जी का आज का मैं आप वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। आपने अभी तक जितने भी सवाल हमसे पूछे हैं, हम सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस दैनिक भास्कर के क्यू एन ए वीडियो में देने जा रहा हूं, जिसे जानने के लिए आपको आज का वीडियो शुरू से अंत जरूर देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से बने रहना। तो जी का चलिए आज का दैनिक भास्कर का स्पेशल क्यू एन ए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं टिके किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारे टिके किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो गाइस बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारे तरफ से सारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइज़, आप देख रहे हैं टिके किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी गाइस, चलिए आज का पहला क्यू एन ए सीरीज स्टार्ट करते हैं सिंघानिया जी के द्वारा, जिन्होंने पूछा है, भैया मेरा फॉर्मेट खो गया है, आप बता सकते हैं दैनिक जागरण में ये फॉर्मेट किस तारीख में आया था प्लीज़। तो जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो गाइज अभी चल रहा है गाइज, ये दैनिक जागरण में नहीं चल रहा है गाइज, ये दैनिक भास्कर में चल रहा है। वो गाइज ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा आपके 7 दिसंबर के पेपर में, जो कि गाइज आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड देखने को मिल जा रहा है स्क्रीन पर। ये सर छपा है सोमवार के दिन 7 दिसंबर को, और राइट साइड आपको कूपन फॉर्मेट दिख रहा है गाइज दैनिक भास्कर जी तो 20 करोड़ का, जो कि गाइज छपा है 7 नवंबर शनिवार के दिन। अगला देख रहे हो, पूछा गया है क्वेश्चन नेहा बंसल जी के द्वारा, इन्होंने पूछा है सबमिट कहाँ करवाना है। तो जी गाइज, मैं आपको ऑलरेडी आपके सारे कलेक्शन सेंटर्स का डिटेल्स अपने चैनल पर देते रहता हूँ। अगर गाइज आपने वीडियो नहीं देखा है, जाना है प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा दैनिक भास्कर का प्लेलिस्ट, आप वहां से आप देख सकते हो गाइस। मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया कि उस वीडियो बताया कि आपको कहां से जमा करना है। तो जी गाइस, देखो अगला प्रश्न पूछा गया है सबिस्ता अमन जी के द्वारा, उन्होंने पूछा है सर मेरा 16 और 17 नंबर का कूपन मिसिंग है, तो क्या मैं 36 और 37 का कूपन लगा सकती हूँ? तो जी गाइस, आप कूपन लगा सकते हो। अगर आपका 16 और 17 कूपन नंबर नहीं है तो गाइस आप उसकी जगह, जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, अगर आपके पास सीरियल वाइज कूपन है तो अच्छी बात है, आप सीरियल चिपकाइए। आपके पास अगर सीरियल वाइज कूपन नहीं है तो गाइज आपको कोई भी अभी तक छप चुके 45 स्टैंडर्ड कूपन में से कोई भी 17 कूपन यहाँ पे चिपका सकते हैं, और 6 मास्टर कूपन छप चुके जिसमें से कोई भी यहाँ पे 4 मास्टर कूपन आपको चिपकाना पड़ेगा। तो जी रजत जी, मैंने आपका जब ऑलरेडी आपको दे दिया है। अगला देख रहे हो, पूछा गया है टेक्निकल अंकित जी के द्वारा प्रश्न, इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए? तो जी गाइस, इसके लिए कोई भी एज होनी नहीं चाहिए गाइस, आप बस दैनिक भास्कर के गाइस ऑलरेडी कस्टमर हो, जिन्होंने गाइस दैनिक भास्कर बुक किया है और गाइस वो पढ़ रहे हैं, तो गाइस वही इसमें से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और गाइस देखो, अगला प्रश्न पूछा गया है श्वेता व्यास जी के द्वारा, इन्होंने पूछा है सर नीड टू टॉक यू, प्लीज गिव योर कॉन्टेक्ट। तो जी गाइस, मैं इनको बताना चाहूंगा गाइस, आप में से किसी को भी अगर कोई हेल्प चाहिए गाइस या हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो गाइस आपको हमारे इस टेकी किसी ब्रॉस चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाना है। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको देख रहे हो, हमने यहाँ पे अपना सोशल साइट्स का लिंक छोड़ दिया है। आप चाहो तो गाइज हमारे टिकी से ब्रॉस चैनल को इस पेड इंस्टाग्राम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या क्या चाहो आप मुझे भी अभिनय चौधरी को भी आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमसे भी प्रश्न वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम गाइज आपका जवाब वहाँ पे आपको डायरेक्टली देंगे। अगर देख सकते आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। तो जी गाइज, आप चल जाइए अभी हमारी टिकी से ब्रॉस चैनल के अबाउट सेक्शन में और जाके सारे सोशल साइट्स पर हमें फॉलो कर लीजिए आगे के अपडेट के लिए। जी गाइस, देखो अगला प्रश्न पूछा गया है आयान अंसारी जी के द्वारा, इन्होंने पूछा है भाई ये 2 फॉर्मेट प्रिंट हुए हैं, हमें एक सबमिट करना है या दोनों, प्लीज रिप्लाई। तो जी मैं बताना चाहूंगा, आपको ऐसे स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा है, हमारे पास दैनिक भास्कर के जीतो 21 करोड़ के 2 कूपन फॉर्मेट है, जिसमें से आपको कोई एक कूपन फॉर्मेट को आपको इस तरह से सारे कूपन इसमें चिपका करके दिए गए जगह पर अपने आपको सारे डिटेल्स डाल करके इसे सबमिट करना पड़ेगा अपने कलेक्शन सेंटर पर। गाइज, मैं एक और अपडेट इस वीडियो में बताना चाहूंगा, अगर आप में से किन्हीं लोग को प्रॉब्लम हो रही है इस कूपन फॉर्मेट को सबमिट करने में, अगर आपको डिटेल पता नहीं चल पा रही है, तो जी गाइज आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना राजी और आप कहां से हैं गाइज ये कमेंट कर दीजिएगा, और ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि गाइज आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे कब जमा करना है, मैं गाइज आपका जवाब आपको अगले क्यू एन ए वीडियो में जरूर जल्दी दूंगा। अगला देखो प्रश्न पूछा गया है रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है अब क्या करूँ? तो जी गाइस, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है तभी गाइस आपके नंबर पे जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो नंबर आपके पास है, तो जी गाइस उस नंबर पर से पता चल सकता है गाइस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है राशिद खान जी के द्वारा, उन्होंने पूछा है एक घर में 2 फॉर्मेट भर सकते हैं क्या? तो जी राशिद खान जी, नहीं, आपको एक ही फॉर्मेट को जमा करके भर करके अच्छे से सबमिट करना पड़ेगा।
अगला प्रश्न देखो, पूछा गया है दिनेश मिश्रा जी के द्वारा, इन्होंने पूछा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर वीडियो बनाओ। तो जी हाँ दिनेश जी, मैं इनको बताना चाहूँगा जो भी चल रहा है दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़, इसकी गाइस अभी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बिल्कुल ही नहीं हो रही है। जो अगर गाइस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती तो गाइस आपको वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलती। जैसे ही गाइस जो पिछला दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़ था उसका गाइस प्री रजिस्ट्रेशन हुआ था, आपको गाइस पता होगा। इस बार का जो दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़ ने जो ये निकाला है जीतो 21 करोड़, गाइस इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन गाइस ऑफलाइन ही होगा। जब आप अपना फॉर्मेट जमा करने जाइएगा तब आपको उसके साथ एक रसीद दिया जाएगा, अपना कूपन फॉर्मेट का मैंने बता दिया, आपको फोटोकॉपी सब करा लेना है। और जब कूपन फॉर्मेट सबमिट करोगे तो उसी टाइम आपको उसके साथ रसीद मिलेगा, वो रसीद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें सब दिया हुआ रहेगा। अगला प्रश्न देख रहे, पूछा गया है फैन ऑफ महाकाल जी के द्वारा, इन्होंने पूछा है ब्रो माई एरिया, मेरा कूपन भवन डिफरेंट है अदर से। तो जी है गैस, आपको क्या करना होगा, आप हमारे इस टिकी किसी ब्रॉस चैनल पर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कांटेक्ट करें और गैस वहां पर मुझे भेजे कि किस तरह का कूपन आके रहे, तो गैस मैं आपका जवाब आपको वहां पर दे दूंगा। देख रहे, पूछा गया मुस्तफ़ा बोहरा जी के द्वारा, इन्होंने पूछा है सर कूपन गलती से आगे पीछे फिल कर दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो जी मुस्तफ़ा जी, मैं उनको बताना चाहूँगा, आपके पास अगर सीरियली वाइज कूपन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दैनिक भास्कर अभी तक जितने छप चुके 45 कूपनों में से आपको कोई भी 17 कूपन यहाँ पे चिपका सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 17 नहीं है, यहाँ पे 45 चिपका दीजिए, मान लीजिए 15 नहीं है, यहाँ पे 44 चिपका दीजिए। तो उस तरह से कैसे आप कोई भी कूपन चिपका सकते हैं, और 6 मास्टर कूपन अभी तक छप चुके हैं जिसमें से कोई भी 4 मास्टर कूपन आप यहाँ पे चिपका सकते हैं। और भी स्क्रीन करके वीडियो चाहिए दैनिक भास्कर के कूपन पर कि किस दिन कौन सा ये स्टैंडर्ड कूपन और ये मास्टर कूपन छपा है, वो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगला वीडियो गाइस हम इसी टॉपिक पर देंगे। अगला प्रश्न देख रहे हो, इसी टॉपिक पर पूछा गया है खुशी मोदी जी के द्वारा, सर मतलब कोई भी बीच का कूपन अगर नहीं है तो उसकी जगह कोई भी रैंडम नवंबर का कूपन चिपका सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल चिपका सकते हैं, सीरीज़ में चिपकाना कंपलसरी नहीं है। तो जी हाँ, सीरीज़ में चिपकाना कंपलसरी नहीं है। आपके पास अगर कूपन नहीं है तो जी गाइस आप ऐसे कूपन चिपका सकते हैं। अगला प्रश्न देख रहे, पूछा गया आरव अग्रवाल जी के द्वारा, इन्होंने पूछा है मास्टर कूपन सीरीज वाइज पेस्ट करनी है कि कोई भी नहीं नंबर कहीं पे स्टिक कर सकते हैं? तो जी हाँ राव जी, मैं इनको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख रहे हो आपको इस कूपन फॉर्मेट पे चिपकाने को जगह दी गई है 4 मास्टर कूपन की, और अगर आपको दैनिक भास्कर में अभी तक 6 मास्टर कूपन छपा है, इसका मतलब गाइस क्या हो गया, इसका मतलब कि अगर आपके पास ये 4 मास्टर कूपन है 1 2 3 4, तो आप इसकी जगह पर इसको चिपका लीजिए। अगर आपके पास मान लीजिए कूपन मास्टर कूपन नंबर 3 नहीं है तो उसके जगह पर आप मास्टर कूपन नंबर 5 चिपका सकते हो या 6 चिपका सकते हो। मतलब गाइस 4 जगह दिया गया है मास्टर कूपन चिपकाने का, जिसमें से आपको 6 मास्टर कूपन में से कोई भी 4 मास्टर कूपन आप यहाँ चिपका सकते हैं। हेलो गाइस, अगला प्रश्न देख रहे हो, पूछा गया है रोहित गुज्जर जी के तरफ से, उन्होंने पूछा है हेलो गाइस 17 स्टैंडर्ड कूपन और 4 मास्टर कूपन कौन सी डेट को जमा करना है? तो जी है गाइस, मैं इनको बताना चाहूँगा जो ये पूछ रहे हैं कि जो अभी मतलब पेपर छपा है कब जमा करना है। तो जी है गाइस, अभी दैनिक भास्कर में अभी कलेक्शन सेंटर लिस्ट आ गई है, आप जिस भी अपने एरिया को बिलोंग करते हो गाइस, तो आपके एरिया की कलेक्शन सेंटर लिस्ट आ गई है। आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। और भी अगर आपको के पेपर अगर अभी तक आपको कलेक्शन सेंटर नहीं पहुंची है, मतलब अगर आपको अभी तक पता नहीं चला कि आपको पेपर ये जो आपका कूपन फॉर्मेट है ये कहाँ जमा करना है, तो जी गाइस आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना राज्य और गाइस अपना नाम गाइस कमेंट कर दीजिएगा, या गाइस आप हमसे गाइस अपने हमारे सोशल साइट्स पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइस, वहाँ भी गाइस मैं आपको पूछे गए सारे सवालों का जवाब देते रहता हूँ। जी गाइस, अगला वीडियो इसी टॉपिक मैं जल्द लाने वाला हूँ जिसमें गाइस आपके पूछे गए सारे सवालों का जवाब दूंगा। कई विशेष तरह मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ आपका अपना दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़ का कूपन फॉर्मेट को सबमिट करना है, अगर आप पटना रीजन के बाहर के हैं तो। पटना, अगर आप पटना रीजन को बिलोंग करते हैं बिहटा या फतुआ या नौबतपुर, तो जी गाइस देख रहे हो कलेक्शन सेंटर सूची आ गई है जिसका गाइस मैंने वीडियो पहले ही बना दी है, अगर आपने देखा नहीं है तो गाइस आपको क्या करना होगा उसके लिए, आपको उसके लिए हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहाँ पे दैनिक भास्कर का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, जिस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको ये सारे डिटेल्स वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से बने रहे। तो जी है गाइस, अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न गाइस देख रहे हो, पूछा गया है आयन अंसारी जी के द्वारा, इन्होंने पूछा है भाई आज के पेपर में आया है कि 2 फॉर्मेट सबमिट करना है और लिखा है फॉर्मेट की फोटोकॉपी संभाल कर रखनी है और कौन सी रसीद? तो जी हाँ, मैं इनका जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने पूछा है गाइस, जैसे कि आज के पेपर देख रहे हो गाइस, हमारे पास भी वो पेपर जिसमें गाइस आपने पढ़ा था अभी जस्ट कि लिखा हुआ है पाठक अपनी पूरी तरह से भरे हुए दोनों स्कीम फॉर्मेट नया और पुराना 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक नीचे के स्थानों पर जमा कर सकते हैं। इसका मतलब गाइस ये है, दैनिक भास्कर आपको कह रहा है गाइस कि पुराना और नया, पुराना बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा है ये दैनिक भास्कर का जीतो 21 करोड़ का नया कूपन फॉर्मेट। तो जी गाइस, इसे हम क्या कहेंगे, हमारा
हमारा नया कूपन फॉर्मेट है। और गाइज जो लॉकडाउन और कोरोना के बहुत पहले जो एक बार फॉर्मेट जब ये चला था तो गाइज वो दैनिक भास्कर जी तो 21 करोड़ का पुराना फॉर्मेट छपा था जिससे गाइज बहुत लोग जमा नहीं कर पाए थे। वो उनके पास पुराना जीतो 21 करोड़ का कूपन फॉर्मेट है जिसमें गाइज आपको इस तरह का कूपन देखने को नहीं दिया गया है। उसमें गाइज आपको 30 स्टैंडर्ड कूपन और अगर 6 मास्टर कूपन चिपकाने का जगह दिया गया है। तो जी गाइज आपको वो पुराना फॉर्मेट अगर आपके पास है, अगर आपने जमा नहीं किया है तो गाइस वो भी आप चाहो तो जमा कर सकते हो, लेकिन गाइस आपको दोनों जमा एक साथ नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर आपके पास नया है तो ये कूपन फॉर्मेट तो आप नया जमा करिए, या अगर आपके पास नया कूपन फॉर्मेट नहीं है, आपने पुराना कूपन फॉर्मेट अच्छे से संभाल करके रखा है, चिपका करके रखा है, अभी सारी डिटेल्स भर करके रखा है, तो जी गाइस उसको भी आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। आपके सवाल का अगला जवाब देना चाहूंगा, आपने पूछा है कौन सी रसीद। तो जैसे ही आप ये फॉर्मेट जमा करने जाओगे तो आपको इसका फोटोकॉपी अच्छे से करा लीजिएगा। सबसे पहले फोटोकॉपी करा के आपको अपने पास रख लेनी है और आपको एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी है। और भी अब जैसे कूपन फॉर्मेट को जमा करिएगा तो आपको उसके साथ एक रसीद देगा जिसमें गाइस आपका सीरियल नंबर होगा, आपने जो जमा किया है गाइस उसे आपको अच्छे से संभाल करके रखना पड़ेगा। गाइस वो जब भी लकी ड्रॉ निकलेगा तब वो आपको काम देगा, और जैसे भी लकी ड्रॉ आता है आपको हमारे सबसे पहले उसका अपडेट मिलेगा। ये हमारे चैनल से बने रहे। अगला देख रहे हो गाइस वैभव शर्मा जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने पूछा है सर जो पेपर देने आते हैं उन्हें भी दे सकते हैं के कूपन फॉर्मेट। तो जी नहीं, आपको पेपर वाले मतलब आपको हॉकर को ही जमा नहीं करना है। आपको गाइस देख सकते हो जैसे कि हमारे पेपर में मैंने आपको बताया कि कलेक्शन सेंटर छपा है, तो जो भी कलेक्शन सेंटर आपके घर के पास हो या जब जहाँ जा सकते हैं आपको गाइस दिए गए कलेक्शन सेंटर में पर ही जा करके आपको उसे सबमिट करना पड़ेगा। और भी गाइस जिनका कलेक्शन सेंटर अभी कोई अपडेट नहीं आया है गाइस, तो हमारे वीडियो सेक्शन में बड़ा कमेंट जरूर कर देना। अगला प्रश्न देख रहे हो पूछा गया है अलका मलिक जी के द्वारा। इन्होंने पूछे हैं सर प्लीज़ ये क्लियर करें कि जो ये कूपन है इसमें कट का निशान दे रहा है, इस कट को भी काटना है क्या छोड़ना है। मैं इनका जवाब देना चाहूँगा। आपको जहाँ पर देख रहे हो जो सीजर का निशान देखने को मिल रहा है अपने फॉर्मेट पर, आपको ये सीजर का निशान जहाँ पर है आपको इसी पोर्शन को अच्छे से काट करके चारों तरफ से आपको सीजर का निशान देखने को मिल जा रहा है और सारी डिटेल्स को अच्छे से भर करके आपको इसे जमा करना है। तो अगर इस दैनिक भास्कर को खेल करके जीत सकते हो जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे थे सारे इनाम, तो जी गाइस मैंने उसके लिए एक वीडियो पहले से बना के डाल दी है क्या जिसमें मैंने आपको बताया है वो कौन सी गलती आपको ना करनी है जब ये कूपन फॉर्मेट आप जमा करने जाओ। तो गाइस एक बार वो वीडियो आप जाके हमारे इस दैनिक भास्कर के प्लेलिस्ट से जरूर देख लेना। वो गाइस प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, उसका गाइस नाम होगा दैनिक भास्कर प्लेलिस्ट, आप गाइस उसे चेक जरूर करें। तो अगला प्रश्न देखो पूछा गया है जयप्रकाश जी के द्वारा। इन्होंने पूछा है हेलो ब्रो, हेलो मेरा जीतो 21 करोड़ में प्रीरजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और मेरा फॉर्मेट सबमिट होगा और सेकंड फॉर्मेट एक ही नाम से सबमिट होगा, रिप्लाई प्लीज़। तो जी हाँ जयप्रकाश जी, मेरे को बताना चाहूँगा ये जो जीतो 21 करोड़ जो आप देख रहे हो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें, तो जी का जैसे कि आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है दैनिक भास्कर का जीतो 21 करोड़ क्या, जिसके लिए अभी तक कोई भी ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कैसे ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारे दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़ का पुराना फॉर्मेट का। और भी कैसे इसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, बस कैसे इसे आपको साइड डिटेल्स भर करके और इसे कटिंग करके आपको बस अपने सबमिशन सेंटर पर लेकर के जाके उसके पास जमा करना पड़ेगा। और आपने पूछा कि आप दूसरा फॉर्मेट अगर जमा करना चाहते हो तो गाइस एक नाम नहीं चलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया भारती परमार जी के द्वारा। इन्होंने पूछा है प्लीज आप ये बताओ कि कैसे चिपकाए सभी कूपन 1 से 45 तक और 1 से 6 मास्टर कूपन। तो जी गाइस मैं इनको बता देना चाहूंगा, हमने इस टॉपिक का इस पहली वीडियो बना दिया है जिसमें गाइस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे ये सारे कूपन मैंने कैसे चिपकाए हैं, मुझे कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ी इसे चिपकाने के लिए। तो जी गाइस वो वीडियो मैंने आपको पहले ही बना के डाल दिए बता दिए जिसमें मैंने बताया कि आपको कैसे सारे कूपन को चिपकाना है और गाइस ये दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़ का ऑफर गाइस जीत करके ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पे दैनिक भास्कर का गाइस प्लेलिस्ट मिलेगा, आप गाइस वो जाके प्लेलिस्ट एक बार चेक जरूर कर लें। कुछ वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के इन स्क्रीन में और आई बटन में दे दूंगा, आप जाके एक बार वो वीडियो चेक जरूर कर लेना। तो जी गाइस देख रहे हो अगला प्रश्न पूछा गया है MG मनीष श्री जी के द्वारा। इन्होंने पूछा है क्या चीज से साटे। तो जी गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया सारे कूपन को आप चाहो तो फेविकॉल या गम से चिपका सकते हो। अगला प्रश्न देखो ये पूछा गया प्रदीप कोहली जी के द्वारा। इन्होंने पूछा है भाई मास्टर कूपन की डेट बता दो कब कब आया है। तो जी हाँ प्रदीप जी, मैं इनको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना के डाल दिया है कि मैंने उस वीडियो में बताया है कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है ये सारे कूपन और अभी तक दैनिक भास्कर जितने 45 कूपन छपे हैं और 6 मास्टर कूपन छपे हैं मैं सारे कूपन का कहीं डेट बता दिया हूँ और किस दिन छपा ये भी बताया हूँ। तो अगर आप जाके वो वीडियो एक बार हमारे इस चैनल के दैनिक भास्कर प्लेलिस्ट से आप एक बार जाके जरूर देख लेना और हमारे अगले वीडियो से बने रहे। और जी गाइस मैं कुछ लोगों को बता देना चाहूँगा
चाहूँगा आप लोग जो भी कमेंट करते हो गाइस थोड़ा कमेंट थोड़ा साफ साफ लिखा करें, क्योंकि सो डेट पढ़ने में बने। जैसे देखो अगला प्रश्न पूछा गया है छोटू साइनी सूर्य साइनी जी के द्वारा, इन्होंने पूछा है सर इनाम का टाइम कितना रहेगा। तो गाइस मैं आपका बात क्लियरली समझ नहीं पा रहा हूँ, पर मैं बताना चाहूँगा आपने जो पूछा है, आपने गाइस पूछा है कि सर इनाम का टाइम कितना लगेगा, तो मैं बताना चाहूँगा इनका पूछने का मतलब ये है कि लकी ड्रॉ कब निकलेगा। ये गाइस हम लकी ड्रॉ खेल रहे हैं, तो गाइस ये लकी ड्रॉ कब निकलेगी, चलिए आपको मैं एक बार डेट बता दूँ इस लकी ड्रॉ का। तो जी गाइस आपको देखने को मिल रहा है कि स्कीम के ड्रॉ की तारीख है 21 जनवरी 2021। तो जी गाइस ये एक एस्टिमेटेड डेट है, इस दिन हो सकता है कि आप ये दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़ का स्कीम का लकी ड्रॉ निकले। और भी आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहे। प्रश्न देखो पूछा गया है प्रदीप कोहली जी के द्वारा, इन्होंने पूछा है भाई मास्टर कूपन 2 मास्टर कूपन 3 की डेट बता सकते हो कब आया है। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जो स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा है मास्टर कूपन नंबर 2 गाइस ये छपा है 14 दिसंबर सोमवार के दिन, और ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा है मास्टर कूपन नंबर 3 ये छपा है 16 दिसंबर बुधवार के दिन। गाइस आगे आने वाले अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहे। अगर गाइस आपको दैनिक भास्कर अभी तक जितने छप चुके सारे कूपनों का अब वीकली रिव्यू चाहिए तो वीडियो के कमेंट से कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो गाइस आपको उसी टॉपिक पर देखने को मिलेगा। ये था आज का दैनिक भास्कर का स्पेशल Q&A वीडियो, जिस वीडियो में गाइस आपके पूछे गए अभी तक सारे सवालों का मैंने आपको जवाब दे दिया है। अगर आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे अपना जवाब मिल गया है, गाइस मुझे बहुत ही खुशी होगी। और भी आप लोगों में से बचे हुए लोग जिनके सवालों का जवाब मैं अभी नहीं दे पाया हूँ गाइस, उनको उनके सवाल का जवाब आपको हमारे दैनिक भास्कर की नेक्स्ट Q&A वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहे, तो जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से बने रहे। और भी अगर आप लोग चाहते हैं इस दैनिक भास्कर के Q&A वीडियो में शामिल होने के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दीजिएगा, उस कमेंट पर आपके लिए अगला Q&A वीडियो जल्दी लाएंगे। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भी किसी सहायता के लिए किसी भी हेल्प के लिए अगर आप चाहते हो हमसे, तो गाइस आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आप देख रहे गए चैनल के अबाउट में आ गए, अबाउट सेक्शन आपको नीचे आ जाना है, नीचे आइएगा तो देख पाओ आपको यहाँ पे हमारे चैनल के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का लिंक मिल जा रहा है, मतलब गाइस आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और जी गाइस हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक है, आप जाकर टेलीग्राम लिंक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और भी गाइस चाहे आप मुझे, आप हमें भी यानी अभिनय चौधरी को भी आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते, अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो जी गाइस मुझे भी आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो जी गाइस ये था आज का वीडियो, हम सभी को आप हमारे सोशल साइट्स पर फॉलो कर लीजिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।